हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, रेडमी अपनी एक नई स्मार्ट वॉच को इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम होगा रेडमी वॉच। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी स्मार्ट वॉच के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि ये स्मार्ट वॉच पहले चाइना में लॉन्च हो चुकी है और अब ये इंडिया में लॉन्च होगी। सो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक और कमेंट करना बिल्कुल फ्री होता है। सो चलिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, Redmi की ये जो पहली स्मार्ट वॉच है, ये इंडिया में 13 तारीख को लॉन्च होगी, यानी कि 13 मई को ये स्मार्ट वॉच लॉन्च होगी और ये Flipkart पर लॉन्च होगी। इसका जो टीज़र है वो Flipkart पर लिस्ट हो चुका है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। कुछ इसके फीचर्स है जो कि हाईलाइट फीचर है, वो भी वहाँ पर लिस्ट हो चुके हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में शुरुआत में बताया था कि ये स्मार्ट वॉच चाइना में लॉन्च हो चुकी थी, तो इस स्मार्ट वॉच के जो फीचर्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो फीचर्स आप लोगों को इंडिया वाले वेरियंट में भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए इस स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले की, तो इसमें आप लोगों को 1.4 इंचेस की एलसीडी पैनल वाली डिस्प्ले मिलेगी, जो आएगी 320x320 पिक्सल्स के साथ में। वहीं दोस्तों, इस स्मार्ट वॉच में पहली बार ऐसा होगा, यानी कि किसी भी स्मार्ट वॉच में, इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 200 प्लस वॉच फेसेस मिलेंगे, यानी कि 200 प्लस वॉच फेसेस मिलेंगे, जिसको आप हर दिन अगर एक वॉच फेस लगाओगे ना, तो 200 दिनों तक आप लोग अलग अलग वॉच फेस लगा सकते हो अपनी स्मार्ट वॉच पर। ये मैंने इसी स्मार्ट वॉच के साथ देखा है, अगर कंपनी हमें 200 वॉच फेस शुरू में ही प्रोवाइड करा देती है तो। वहीं अगर दोस्तों बैटरी की हम बात करें, तो इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 230 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि एक बार चार्ज करने पर यह बैटरी आप लोगों को 7 से 9 दिन का बैटरी बैकअप देने वाली है। अगर दोस्तों फिटनेस ट्रैकर्स की हम बात करें, तो इसमें आप लोगों का SPO2 मिलेगा, SPO2 के साथ साथ हर्ट रेट, स्लीप मॉनिटर, ब्रेथ मोड, इस तरह के फिटनेस ट्रैकर्स आप लोगों को इस स्मार्ट वॉच में देखने को मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों, इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 11 स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे, जिसमें आप लोगों का रनिंग, वॉकिंग, इनडोर साइकिलिंग, आउटडोर साइकिलिंग जैसे स्पोर्ट्स मोड शामिल होंगे। अगर दोस्तों बात की जाए इस स्मार्ट वॉच की कनेक्टिविटी की, तो इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को GPS प्लस ग्लोनास का सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि इस स्मार्ट वॉच के स्पोर्ट्स मोड की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिलने वाला है, जिससे कि ये कनेक्ट हो जाएंगे एंड्रॉयड और iOS दोनों ही डिवाइसेस से। वहीं दोस्तों, स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट का ऑप्शन आप लोगों को इसमें मिलेगा, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन भी आप लोगों को इस स्मार्ट वॉच में मिलने वाला है। सो दोस्तों, ये स्मार्ट वॉच 13 तारीख को Flipkart पर लॉन्च हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये स्मार्ट वॉच अच्छे से इंडिया में परफॉर्म करे और आप लोगों का इस स्मार्ट वॉच को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिले। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।